नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खास बुलेटिन। अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बुधवार को एक भीषण लैंडस्लाइड में एक बस और कई अन्य वाहन मलबे की चपेट में आ गए हैं। जो बस हादसे का शिकार हुई है उसमें बता दें 40 से 45 लोगों के सवार होने की जानकारी दी जा रही है। हादसा किन्नौर में रेकोंग पियोर शिवला हाईवे पर हुआ है। बता दें हादसे का शिकार हुई बस में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और इसके अलावा 14 अन्य लोगों को रेस्क्यू कराने के बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं किन्नौर के SP साजू राम राणा के मुताबिक पुलिस को भावत नगर थाना क्षेत्र के पास हाईवे पर लैंडस्लाइड की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस घटना की जानकारी के बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस राज्य और पुल और होमगार्ड जवानों को यहां भेजा गया और इसके अलावा राहत कार्यों के लिए विशेष टीमों को भी वहां पर लगाया गया है। साथ ही बता दें राहत कार्य अभी भी जारी है और आज सुबह 6 बजे से फिर से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार लापता लोगों की तलाश की जा रही है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना भयानक ये लैंडस्लाइड था कि मलबे में चपेट में कई वाहन आ गए और उसमें लोग, हालांकि 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है लेकिन अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में असले के दम पर बदमाशों ने युवक से 2,08,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया है। वहीं बदमाश बेखौफ होकर तमंचा लहराते हुए रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित युवक ने इसकी शिकायत थाने में जाकर की। वहीं अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ये कोई नई बात नहीं है जब बदमाशों ने किसी लूट को बेखौफ होकर अंजाम दिया हो, ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है और इससे साफ जाहिर होता है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी रहा नहीं है। वो बेखौफ होकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बदायूं में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में एक महिला एक व्यक्ति की जमकर पिटाई करती हुई नजर आ रही है। बता दें महिला ने उस व्यक्ति की इतनी पिटाई की कि उस व्यक्ति के चेहरे पर से खून भी आने लगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटना जिस जगह पर हुई उससे 30 मीटर की दूरी पर थाना, सिविल लाइन्स और SSP कार्यालय है, लेकिन पुलिस का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा और जब ये घटना हो रही थी उस समय मौके पर तमाम लोग खड़े होकर इस घटना को देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी घटना का कारण जानने की ना तो कोशिश की और ना ही महिलाओं को एक व्यक्ति को पीटने से रोकने की कोशिश की। हालांकि वीडियो वायरल लगभग बता दें 1 सप्ताह पहले का बताया जा रहा है। जब इस वीडियो वायरल में हुई घटना की जानकारी ली गई तो पता चला कि जिस व्यक्ति की पिटाई हो रही है वो व्यक्ति सब्जी का काम करता है और वो किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा था कि इस मौसम में मेरा बहुत माल खराब हो गया है और अब मैं कम माल लाया करूंगा। पिटाई करने वाली महिला को लगा कि वो व्यक्ति उस पर फबत्ती कस रहा है और इसी को लेकर उसने उस व्यक्ति की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उस व्यक्ति के चेहरे से खून तक आने लगा। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से ये महिला इस सब्जी बेचने वाले को पीट रही है। हालांकि बात का जब पता चला कि किस बारे में ये महिला पीट रही थी तो महिला को सिर्फ और सिर्फ ये शक हुआ था कि जिस बात को लेकर वो दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा था, सब्जी बेचने वाला, तो महिला को लगा था कि वो उस पर कमेंटबाजी कर रहा है और इसी शक में महिला ने एक इतनी बेरहमी से इस व्यक्ति को पीटा कि उसके चेहरे से खून तक भी आने लगा। बदायूं के दातागंज में आए ISGRS पर की गई शिकायत के निस्तारण में एक युवक को हवालात में डाल दिया गया। उसे छोड़ने के नाम पर दरोगा और सिपाही ने 5,000 रुपए भी वसूले। मामला SSP संकल्प शर्मा तक पहुंचा तो उन्होंने पूरे मामले की SP City से जांच भी कराई। बता दें विभागीय जांच में दोनों के दोषी मिलने पर SSP के निर्देश पर आरोपी दरोगा और सिपाहियों के खिलाफ देर रात कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और दोनों को निलंबित कर दिया गया है।
बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में बागपत के 10 रुपए किराए को लेकर ई रिक्शा चालक और सवारी में जमकर मारपीट हो गई। सारे बाजार दोनों में जमकर लात घूसे चले, वहीं इस पूरे मामले का वीडियो लाइव कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो बता दें, ई रिक्शा चालक और सवारी में मारपीट हो गई 10 रुपए को लेकर। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं, और सिर्फ बात ई रिक्शा के किराए की थी 10 रुपए को लेकर। हालांकि किसी ने वीडियो बना लिया जो अब काफी वायरल हो रहा है। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ये बात जी, यहाँ का कहाँ देता है, मैं चला हुआ चल दिल्ली छोड़ के मुझे ये बताओ जी। तो पैसे दिए नहीं आपको? दिए नहीं बाबू जी, कृपा नहीं दिया, और मेरा हमारे पीछे चलेगा जी। बागपत के बड़ौत थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल ने वीडियो बनाकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल 2 साल पहले प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी युगल ने अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी कर ली थी। वहीं प्रेमी पड़ोस क्षेत्र से ब्राह्मण परिवार का रहने वाला है, जबकि प्रेमिका रमाला थाना क्षेत्र की तोमर परिवार की रहने वाली है। दोनों ने अपने परिवार को बिना बताए शादी की और अब परिवार से छुपते फिर रहे हैं, जिसके बाद अब प्रेमी युगल ने परिजनों से अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बागपत का ये पूरा मामला है, जहां 2 साल पहले प्रेमी युगल ने शादी कर ली थी। हालांकि दोनों अलग अलग जाति से आते हैं, इसी को लेकर शायद परिवार वाले राजी नहीं थे दोनों की शादी को लेकर, लेकिन उसके बाद भी दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर दी और अब अपनी सुरक्षा की दोनों गुहार लगा रहे हैं। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है हिमांशु शर्मा से, और अभी हमारी जान को खतरा है हमारे फैमिली मेंबर से। अगर हमें कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, और जिनका नाम है मेरे चाचू कविंदर, पुष्पेंद्र, धर्मेंद्र और मेरे पापा हरिंदर। बरेली कैंट थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों ने एक युवक के घर पर देर रात पथराव कर दिया और मारपीट करने के साथ महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें भी की। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंगों ने उनके परिवार के साथ मारपीट की और घर में रखे 20,000 रुपए और जेवरात लूट लिए। वहीं पीड़ित ने मामले की शिकायत कैंट पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मोहनपुर में रहने वाला श्रीराम मालिक कई अधिकारियों के घर पर काम करता है। ऐसे में श्रीराम का बेटा क्षेत्र की एक परचून की दुकान पर कुछ खरीदने गया था, इसी दौरान उसका विवाद शराब पीते हुए एक युवक से हो गया। बाद में दोनों पक्षों में इतना विवाद बढ़ गया कि लखन अपने कई साथियों को बुलाकर ले आया और उनकी मदद से राम के घर पर पथराव और मारपीट शुरू कर दी। ये घटना वहां लगे पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित के मुताबिक दबंगों ने उसके घर पर हमला कर जमकर उसको पीटा है और घर में रखा 20,000 रुपए कैश और जेवरात भी लूट लिए हैं। वहीं एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सर ये ऐसा हुआ, हमारा ही बेटा है सर दीपक, तो पड़ोसी बोला कि तुमने हमारे बाप को मार दिया है सर, तो बोला कि वो बात सर खत्म हो गई, सही है, हम लोग सिराते में बुझा बुझा के वो बात समाप्त हो गई। उनने 10-15 लौंडे इकट्ठे करे सर और हमारे घर में घुस आया थे सर, और लाठी डंडों से हमें बहुत पीटा सर। सामने हमारे भाई के सिर फट गया है सर, उसके साथ आके आए सर, और हमारी भाभी हैं उनकी कमर तोड़ दी है सर उनने, और हमारी भाई की बेटी है उसके कांटा मारा है यहाँ पर सर। और हमें जब हम मुकदमा अपने लिखाना है, दरोगा जी ने हमें बहुत गाली गंदी गाली बकी सर। एक वादी हैं श्रीराम, जिनके द्वारा थाना कैंट पर एक तहरीर दी गई। इनके द्वारा बताया गया कि ये ग्राम मोहनपुर नकटिया के रहने वाले हैं और अपने ही गांव के एक व्यक्ति है टिंकू, जहां पे इनका बेटा दीपक कुछ परचून की सामान लेने गया था। वहां पर जो खड़े व्यक्ति है इसका नाम लखन एवं अन्य लोग हैं, इसको गाली देने लगे। इसके बाद में ये सभी लोग एक राय होकर इनके घर पर आए और लाठी डंडों से वार किए, इनके घर के महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, इनके चलते इनके चोटें भी आई हैं, इनका मेडिकल रिपोर्ट भी है,
जिसके आधार पर थाना कैंट में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनको गिरफ्तार कर अगर विधिक प्रयास सूचित कराई जाएगी। बरेली जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग खुले में अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान बारिश शुरू हो जाती है जिससे चिता की आग बुझने लगती है। वहीं शमशान घाट में कोई व्यवस्था न होने की वजह से लोग खुले आसमान में त्रिपाल तान कर चिता की को जलाने की कोशिश भी करने लगे। वायरल वीडियो में लोग आपस में बातचीत के दौरान शासन प्रशासन पर तंज कस रहे थे और दाह संस्कार करने की कोशिश कर रहे लोगों को चिता जलाने के लिए 15 मीटर डीजल का इस्तेमाल भी करना पड़ा। साथ ही दाह संस्कार की कोशिश कर रहे लोग कच्ची जमीन को दिखाकर कह रहे हैं कि ये शमशान का पक्का फर्श है। शमशान घाट का पैसा भी डकार गए जिम्मेदार अधिकारी। साथ ही बता दें उन लोगों का आरोप है कि शमशान घाट के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से पैसा भेजा गया है लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने पैसे का बंदरबाट कर दिया है जिसकी वजह से शमशान घाट की आज ये हालत है। कानपुर देहात में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुरानी रंजिश के चलते दो दिन पहले दबंगों की तरफ से लोहे की रॉड से हुए हमले में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं युवक की मौत हो जाने के बाद जहां परिजनों में कोहराम मच गया वहीं गांव में तनाव जैसे हालात पैदा हो गए जिसके बाद भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधिकारी गांव पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर चार नामजदों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना भी शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने एहतियातन गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। हमारे भाई का मर्डर हुआ है। क्या नाम था जिस लड़के मर्डर हुआ है? पूरा सैनी। किन लोगों ने किया है मर्डर? दीक्षित पंडित। क्या लोग थे उसमें? चार लोग। क्या नाम था उनका? पिताजी का नाम है शिवशंकर दीक्षित और उनकी तीनों बेटियों का नाम है रजनेश दीक्षित, कमलेश दीक्षित और अखिलेश दीक्षित। थाना सिवली के खलकपुर गांव में परसों एक 18 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से मार करके हत्या कर दी गई थी। इसमें मौके पर उसके सर में चोट आई थी जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। कानपुर में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान दूसरे दिन इसकी डेथ हुई थी। इसमें चार नामजद अभियुक्त हैं जिसमें दो की गिरफ्तारी कर ली गई है और दो अभी फरार हैं, विवेचना की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। हाथरस महिला बाल विकास पुष्टाहार की चेयरमैन ने महिला जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ अस्पताल में भर्ती महिलाओं से स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी ली। वहीं चेयरमैन सरिता भदौरिया ने महिला अस्पताल में गंदगी देखी तो स्वास्थ्य अधिकारियों पर भड़क गई और अस्पताल में साफ सफाई को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों को हिदायत भी दी। वहीं महिला बाल विकास पुष्टाहार की चेयरमैन सरिता भदौरिया ने निरीक्षण से स्वास्थ्य कर्मियों में खलबली मच गई। तो बता दें सरिता भदौरिया ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया जिसकी वजह से स्वास्थ्य महकमे में स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। हालांकि अस्पताल में जब साफ सफाई नहीं मिली तो सरिता भदौरिया ने जमकर क्लास लगाई वहां पर मौजूद स्टाफ की और साथ ही साफ सफाई रखने की हिदायत भी दी। वहीं वहां पर भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना, स्वास्थ्य सेवा जो वहां पर मरीजों को दी जा रही है उनके बारे में भी जानकारी ली। साथ ही वहां पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और साफ सफाई करने के लिए भी हिदायत दी है। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की तीन बाइकों के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया है। वहीं बरामद की गई बाइक में नंबर प्लेट नहीं है। आपको बता दें कि पुलिस ने ये बाइक नौगांव पुलिया के पास से बरामद की है और फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भी भेज दिया है। तो बता दें पुलिस के हाथ में बड़ी सफलता लगी है, बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल कई पुलिस ने बरामद की है और साथ ही बाइक चोरी में दो अभियुक्त इसमें संलिप्त पाए गए थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
फतेहपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर खागा कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कार में टक्कर मार दी। वहीं मौके पर कार सवार दो लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार बनारस से कानपुर जा रहे थे, वहीं बारिश की वजह से ये हादसा हो गया। फिलहाल घायलों के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है उन्हें, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने घंटी की चोरी के आरोप में दो युवकों को निर्वस्त्र कर जमकर उनको पीटा और दोनों युवकों को गांव में घुमाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया है। वहीं चोरी के आरोप में पकड़े गए आरोपियों के परिजनों ने कुछ लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई कर दबंगों को जेल भेज दिया है। तो बता दें, चोरी के आरोप में दो युवकों को निर्वस्त्र कर काफी पीटा गया, हालांकि वहां पर उन्होंने किसी का वीडियो भी बना लिया किसी ने, जिसके बाद से अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं बता दें, परिजनों ने पुलिस में तहरीर दी थी, इन दोनों युवकों के परिजनों की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से निर्वस्त्र कर इन दोनों युवकों को पीटा जा रहा है। क्षेत्रांतर्गत जलालपुर गांव में कल दिनांक 10 अगस्त को दो व्यक्तियों को मंदिर में चोरी करते समय गांव वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों अभियुक्तों, जिनके नाम कल्लू वर्मा और गौरव हैं, उनको ग्रामवासियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया और उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें नग्न अवस्था में सबके सामने खड़ा किया गया। उनमें से एक अभियुक्त के पिता के द्वारा थाना गोला पर इस संबंध में एक लिखित तहरीर दी गई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दो नामजद अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी गोला के द्वारा की जा रही है। इस संबंध में हमें एक वीडियो क्लिप भी प्राप्त हुई है, इसका अवलोकन करके घटना में संलिप्त अन्य सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के लक्ष्मीनगर में आयोजित किसान महापंचायत में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव राजपाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ठाकुर राजवीर सिंह जादौन मौके पर मौजूद रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में NCR अध्यक्ष और आगरा मंडल प्रभारी सुभाष चौधरी, NCR सचिव सुरेंद्र बाबा मटरू नगर भी मौजूद रहे। बता दें, लखनऊ से मथुरा जाते समय प्रदेश अध्यक्ष का फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा में कार्यकर्ताओं और किसानों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं महापंचायत में मथुरा के अलावा आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी जिलों से भी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए थे। बता दें, महापंचायत का संयोजन आगरा मंडल अध्यक्ष गजेंद्र परिहार ने किया। वहीं इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव पंडित राजपाल शर्मा और संचालन ललित शर्मा ने किया है। तो बता दें, प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया है और मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम लोग मौजूद रहे और कई जगह से अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे थे। साथ ही आपको बता देते हैं कि महापंचायत में मथुरा के अलावा आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी जिलों से भी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता और किसान भी शामिल हुए थे। साथ ही बता दें, महापंचायत का संयोजन आगरा मंडल अध्यक्ष गजेंद्र परिहार ने किया था। वहीं इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव पंडित राजपाल शर्मा और संचालन इस पूरी आयोजन जो किया था उसका संचालन ललित शर्मा की तरफ से किया गया था। हालांकि भारी संख्या में यहां पर किसान भी मौजूद रहे, कई संगठन से जुड़े लोग भी वहां पर भारी संख्या में पहुंचे थे। आगामी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत होने जा रही है, उसकी तैयारी को लेकर के आगरा मंडल की समीक्षा बैठक की गई है। हर जनपद से आगरा मंडल के अंदर जो जनपद आते हैं वहाँ से हर पदाधिकारी यहाँ पे बुलाया गया। संदर्भ समय हिंदुस्तान में केवल एक है,
किसान आंदोलन, तीन कानून वापसी और MSP पे कानून, इसके अलावा कोई संदर्भ नहीं है। और उसी संदर्भ की तैयारी में 5 सितंबर को हमारे मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने जा रही है, जिसमें हमारे आगे की रणनीति आंदोलन की क्या होगी वो पूरी घोषित की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा इस पर मंथन कर रहा है। तो 5 सितंबर महापंचायत मुजफ्फरनगर और दिल्ली में जो हमारा आंदोलन चल रहा है वो इसी तरह अनवरत मजबूती से चलता रहे, किसान रोटेशन में जाता रहे, अपना गृहस्थी भी देखता रहे, परिवार भी देखता रहे, खेती पाती भी देखता रहे और आंदोलन भी होता रहे। इन तीन चीज़ों में सामंजस्य बना करके हमें आंदोलन करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आंदोलन कब तक चलेगा। ये तो सरकार को तय करना है कि आंदोलन कब तक चलाना चाहती है। जब तक सरकार चाहेगी आंदोलन तब तक चलेगा। बिल वापसी और MSP पे कानून नहीं तो घर वापसी संभव नहीं। मौसम विभाग ने कहा है कि देश में वर्तमान में जारी कमजोर बारिश गतिविधि के अगले कुछ दिन तक लगातार बने रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों और बिहार में बनी हुई अत्यधिक बारिश की स्थिति 14 अगस्त तक जारी रहने की उम्मीद है और इसके बाद ये कम हो जाएगी। वहीं बता दें उत्तर भारत के मैदानी इलाकों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सहित तमिलनाडु और केरल के बाहर अधिकतर हिस्सों में 15 अगस्त तक हल्की बारिश की काफी संभावना है। वहीं भारत में 16 अगस्त से बारिश गतिविधि में तेजी आएगी और अगले 5 दिनों में तमिलनाडु और केरल में छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश होने की पूरी संभावना है। साथ ही बता दें तमिलनाडु में 14 अगस्त और केरल में 12 अगस्त तक कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं देश भर में मानसून में मौजूदा कमजोरी के 15 अगस्त तक बने रहने की संभावना है। ऐसे में पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों और बिहार में बनी हुई अत्यधिक बारिश की स्थिति 14 अगस्त तक बनी रहने की उम्मीद है और साथ ही इसके बाद ये कम हो जाएगी। वहीं IMD के आंकड़ों के मुताबिक देश में 1 जून से 10 अगस्त तक सामान्य से 5% कम बारिश इस बार हुई है और असम और मेघालय में 13 अगस्त के बीच कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा से लगते इलाकों में 14 अगस्त के बीच व्यापक बारिश, कहीं कहीं भारी बारिश भी जारी रहने की संभावना है। साथ ही बता दें पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में अगले 5 दिनों में छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना जताई है। IMD ने कहा है कि 15 अगस्त तक उत्तराखंड में और आज से 14 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तो बता दें मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बारिश में 16 अगस्त से तेजी एक बार फिर से देखी जाएगी। हालांकि कई राज्यों में, देश के कई राज्यों और इलाकों में हल्की अभी तक बारिश होगी। 15 अगस्त तक भी उत्तराखंड सहित कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मैदानी इलाकों में भी 16 अगस्त के बाद तेज और ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।